और उमरिया जिला अस्पताल में रीवा लोकायुक्त ने डॉक्टर को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डॉक्टर वेद प्रकाश ने 40,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन 20,000 की रिश्वत के साथ पकड़ा गया है। दरअसल अस्पताल के एक फार्मासिस्ट ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद वापस आना चाहता था, इसके लिए ही डॉक्टर ने 40,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने छापा मारकर डॉक्टर को गिरफ्तार किया। तो जिला अस्पताल में लोकायुक्त का छापा पड़ा है, रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है, 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। डॉक्टर ने 40 रिश्वत की मांग की थी, इस्तीफा वापस लेने के लिए रिश्वत की मांग की गई है। सीएमएचओ साहब बोल रहे हैं कि आप उनको कुछ पैसे चाहिए और उन्होंने मुझे पैसे देना है मुझे उनको, और आप काम करते रहिए, स्टोर में आपको काम करना नहीं है। मैं और उन्होंने 40,000 रुपए की मुझसे डिमांड किया, ये बोलती हुई सीएमएचओ को ये पैसा देना है। मैं ये बोला कि मैं सीएमएचओ को डायरेक्ट पैसा दे देता हूँ, तो उन्होंने मना किया कि सीएमएचओ पैसा लेगा नहीं आपसे, सीएमएचओ पैसा मेरे से लेगा, और हो गया इसी। बाद में कई बार हमने भी यह किया, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर मतलब माने नहीं, और मुझे फिर इस कार्रवाई के लिए आगे जाना। मैं कोर्ट गया हुआ था, मुझे ऐसा आइडिया था कि आज मेरी पेशी है, तो मुझे टेलीफोन में कुछ लोगों ने बताया कि सिविल सर्जन किसी से रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, कोई बोल रहा है घर पे पकड़े गए हैं, कोई बोल रहा है अस्पताल में पकड़े गए हैं, विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं सर, क्या बोला था और कहाँ, कोई बोला था घर पे थे, कोई बोला था अस्पताल। ये राजकुमार शुक्ला जो यहाँ पे फार्मासिस्ट थे, उन्हें अपने घरेलू समस्या के कारण इस्तीफा दे दिया था। कुछ दिन बाद घर में चर्चा हुई होगी तो उनको आवश्यकता लगी कि अभी नौकरी मुझे करना चाहिए, उनके द्वारा पुनः एक आवेदन दिया गया था कि मैं सेवा निवृत्त होने का जो आवेदन दिया हूँ वापस लेना चाहता हूँ, पुनः सेवा करना चाहता हूँ। उस संबंध में डॉक्टर बीपी पटेल द्वारा इनसे कुछ 20,000 रुपये की मांग की गई थी। हम लोग पर आवेदन मिला शुक्ला द्वारा, एसपी लोकायुक्त को आवेदन दिया गया जिसका सत्यापन किया गया, जानकारी सही पाए जाने पर योजना बनाकर आज ट्रेप कार्रवाई की गई।